अस्सलाम वालेकुम। तेरे बिना मैं नहीं के लास्ट एपिसोड आ चुका है। इसके अंदर नूर जो है वो करियर ओरिएंटेड होती है और साथ साथ सेल्फ सेंटर्ड भी होती है। वो मुर्तजा से शादी करना चाहती है, मुर्तजा से शादी नहीं करता क्योंकि वो अपनी बहन और माँ से अलग नहीं होना चाहता था। जो है नूर फिर भी उसके पीछे पड़ी रहती है और कहती है कि मुझसे शादी कर लो, शादीशुदा होता है। और इस तरीके से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नूर को, वो US शिफ्ट हो जाती है। US शिफ्ट होने के बाद पीछा नहीं छोड़ती है। फिर उसको जो है एक बड़ी उम्र का आदमी मिलता है, वो उसको शादी करके पाकिस्तान वापस आ जाती है और मुर्तजा को ऑफर करती है। वो मुर्तजा जो है नूर के अंडर काम करना शुरू कर देता है। उसको किसी तरीके से वो लोन वगैरह देती है और उसको माली कर्जे के अंदर डुबोने की कोशिश करती ताकि वो उसको पैसों के तरीके से खरीद सके। मगर नूर इतनी ज्यादा भी नेगेटिव नहीं होती जितना ज्यादा नेगेटिव इस ड्रामे में दिखा दिया है। नूर अपनी जिंदगी काफी सालों में गलत थी, यही वजह बनी कि वो एक के बाद एक शिकस्त का सामना करती रही। तहनीत को भी करियर चाहिए था, जो कि मुर्तजा की वाइफ है। उसने अपने हस्बैंड और फैमिली और इन लॉज का साथ मिलकर काम किया और उसने मुकाम हासिल कर लिया। मगर हम किसी को एक सांचे में नहीं डाल सकते कि नूर कामयाब क्यों नहीं हुई और तहनीत कामयाब क्यों नहीं। नूर की पर्सनालिटी के मुताबिक अगर वो मुझसे शादी कर भी लेती तो उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होनी थी, क्योंकि नूर को हमेशा से जो है अच्छा करियर चाहिए था। नूर जो है वो बिल्कुल लुट पिट गई। उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके मुर्तजा, उसका करियर, उसका हस्बैंड सब ने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो करियर को अपनाना चाहती थी। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर कोई लड़की अपना करियर बनाना चाहती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। अगर लड़की के साथ ऐसा हो भी जाए तो उसको बिल्कुल स्ट्रांगली बिहेव करना चाहिए है और उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए कि बिल्कुल वीक हो गई और अकेले रह गई है। फिर जी आखिर में डायलॉग था, जैसे ज़मीन में से कोई सैयारा बुलंद हो और खला में जा पहुँचा, फिर वो ज़मीन का रहा ना खला का। बुलंदियों की छूने की जस्तुजुओं में कैदे तन्हाई काटी है मैंने, एक गर्दिश मुसलसल ठहरी। मैं इस मैसेज से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती हूँ। और लड़कियों को अपना करियर बनाना चाहिए है, बीच में रिश्ते छूट जाते हैं मगर जैसे ही आप कामयाब होते हैं वो रिश्ते वापस भी आ जाते हैं। इतनी नेगेटिव एंडिंग का मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। जिसको भी अपना करियर बनाना है, हाँ इस तरह की हर्डल्स आएंगी आपकी ज़िंदगी में मगर उनको पार करके ही तरक्की मिलती है। तो इस ड्रामे के एंडिंग से मैं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। आप अपने राय जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच।